ओडिशा के आरसी प्रदीप जेना ने अगस्त के अनलॉक दिशा निर्देशों के बारे में कहा कि हमारे राज्य में 28 जिले में संक्रमण दर कम है, कटक, गोरखा, पुरी में अधिक है। पुलिस की कार्रवाई थोड़ा धीमे होने के कारण इन जिलों में कोविड के केस बढ़ रहे हैं। कुछ लोग खुद के जीवन के साथ साथ दूसरे के जीवन को भी खतरे में डाल रहे। टीका लगाने के बाद सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और साफ सफाई का ध्यान रखना भूल जाते हैं। 2 अगस्त अनलॉक दिशा निर्देश चलते राज्य भर में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। भुवनेश्वर, कटक और पुरी में साप्ताहिक बंदी रहेगी। सामाजिक समारोह आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। मॉल को सीमित समय तक के लिए खोला जा सकेगा। ग्राहकों की संख्या सीमित रहेगी। रेस्टोरेंट में 50% की क्षमता के साथ खोले जाएंगे। सिनेमा हॉल 50% की क्षमता के साथ खोला जाएगा और जिला मजिस्ट्रेट सह धार्मिक स्थल खोलने पर फैसला कर सकते हैं। श्री मंदिर, लिंगराज मंदिर, कटक के धवलेश्वर मंदिर, कटक चंडी मंदिर खोलने पर प्रशासन फैसला खुद करेगा। विवाह अंत्येष्टि कार्यक्रम में पूर्व नियम के तहत ही कार्यवाही जारी रहेगी। नियम 1 अगस्त सुबह 6 बजे से 1 सितंबर सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। R9 भारत के लिए आदित्य पानीग्राही की रिपोर्ट, कटक, उड़ीसा।